अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आसिम वानवी, करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह आया हूँ अपने चूज़ों को दाना पानी डालने के लिए। उसके बाद मैं जाऊँगा शॉप पे। उससे पहले मैंने कहा अपने चूज़ों को दाना पानी डाल दूँ, और रात को मैंने इनका घर भी चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले इनको डालते हैं बाजरा और फिर थोड़ी सी फीड डालेंगे। ये सब बहुत भूखे हुए हैं फ्रेंड्स। इनमें एक चूज़ा नज़र नहीं आ रहा मुझे, पिंक कलर वाला। वो दो तीन से दिन से थोड़ा सुस्त था, बीमार लग रहा था। रात को भी मैंने उसको पैनाडोल का सिरप पिलाया है। फ्रेंड्स, ये देखें, इनका मैंने केज चेंज किया इसमें। रात को मैंने इनको रखा था, रात को तो ये बैठा था, सही था तकरीबन, लेकिन था बीमारी, ये मर गया। फ्रेंड्स, ये दूसरा चूज़ा मर रहा है। 20 लेके आया था, अभी रह गया मेरे पास 18 चूज़े। तो इसकी ज़िंदगी इतनी थी, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है पूरी पूरी। इसको मैंने पैनाडोल का सिरप भी पिलाया। फ्रेंड, ये नीचे से इसकी टांगों से खींच लिया, मेरे हाथ से गिर गया। ये देखें, पर इसके भी वाइट वाइट निकलना शुरू हो गए थे। फार्मी जितने भी कलरफुल हैं, ये सब वाइट निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह से बड़े भी हो गए हैं थोड़े। ब्लैक वाले जो देसी दूसरे हैं, उनके काफ़ी बड़े बड़े पर निकल आए हैं। ये पैनाडोल का सिरप मैं अभी भी इसके लिए लेके आया था, मैंने कहा इसको पिलाता हूँ, लेकिन ये मर ही गया। जिसकी फ्रेंड जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है उसने उतनी जीनी है। बाकी हम कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही कई बंदे डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। बस अपनी तरफ से हम कोशिश ही कर सकते हैं। रात को मैंने इनका केज चेंज कर दिया, यहाँ से उठा दिया। उसमें मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मुर्गी अंडों के ऊपर बैठानी है, तो मुर्गी के लिए मैं बाहर उसको ले गया हूँ। फिर रात को ये मैंने जुगाड़ लगा के इनके बैठने के लिए जगह बनाई है। मैंने कहा ऐसे भी रूम में ही रहते हैं, तो चलो ये दिन को घूमते रहेंगे रूम में और रात को यहाँ पे घुस के बैठ जाएंगे, इसलिए मैंने इनके लिए जुगाड़ लगा दिया। और इनका जो केज था उसमें मैंने मुर्गी को बिठा दिया जगह बना के। अभी मैंने एक दो दिन चेक करना है, पहले मुर्गे के साथ थी तो मुर्गा उसको बैठने नहीं देता था। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने मुर्गे से अलग उसको बंद किया हुआ है, और देखूंगा एक दो दिन अगर ये बैठ रही है तो फिर इसके नीचे अंडे रखूंगा। अगर ये नहीं बैठेगी, इसके नीचे अंडे रखूंगा, तो वो अंडे ख़राब हो जाएंगे सारे। ये देखें, यहाँ पे मुर्गे से अलग मैंने इसको बंद किया हुआ है केज में, सेटिंग बना के ईंटों की तूड़ी वगैरह डाल के, लेकिन ये बैठ नहीं रही अभी। ये देखें, भाग रही है, दूसरे पिंजे में बैठती थी थोड़ा, शायद ये उसी को ढूंढ रही है। तो अभी इसकी सेटिंग यहाँ पे बनाई है, बैठेगी तो फिर इसके नीचे अंडे रखूँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। बहुत जल्द मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।